हेलो दोस्तों, आज हम गमले में लगे हुए पौधे का चित्र आसानी से बनाएंगे। आप इस तरह से दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल में इस तरह से खींचेंगे। इस तरह से दो लाइन खींचना है आपको, फिर उसके नीचे इस तरह से हॉरिजेंटल वे में इस तरह से लाइन खींचें और इसको जोड़ दें। फिर ये तिरछा इस तरह से लाइन खींचें और फिर नीचे एक लाइन ड्रॉ करके इस दोनों को ज्वाइंट कर दें। इसके बाद इस तरह से एक लाइन खींचना है और नीचे इस तरह से सीधा एक लाइन खींचें। ये हमारा गमला बन करके तैयार हो गया। इसके बाद हम जो पेड़ की लताएं जो पेड़ पर चढ़ती हैं उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आराम से इस तरह से आप लाइन खींचें, फिर एक लाइन, फिर इसको ज्वाइंट कर दें। फिर नीचे साइड में इस तरह से धीरे धीरे आप लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आराम से आप चित्र करेंगे तो आपका चित्र अच्छा बनेगा। देखिए इस तरह से एक लाइन खींचे, बीच वाला साइड में इस तरह से इसको मिटा दें। ये हमारा लता बन के तैयार हो गया। गमले का इस तरह से दूसरा जो छोर दिखाई देता है उसको इस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक लाइन खींचें, फिर नीचे साइड में एक और लाइन, फिर हम इस तरह से सर्किल बनाएंगे। पत्ते को बनाने के लिए हम इस तरह से सर्किल पहले बना लें, कहीं कहीं छोटा सर्किल बनाएं, कहीं कहीं थोड़ा बड़ा बनाएं इस प्रकार से आप। उसके बाद एक लाइन इस तरह से खींचें। जो डंडी तरह से बना रहता है उसको इस तरह से दो लाइन खींच करके हम दिखा सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से लाइन खींचें आराम से। आपका जो पेपर है उस पर दबाव ना बनाएं, हल्का हल्का स्केच करें। ऊपर वाला छोर से इस तरह से सर्किल को मिला दें। अब हमें पत्ते के बीच में जो लाइनिंग देखते हैं, इस तरह प्रकार से आप लाइन को ड्रॉ करते जाएं इसके अंदर। पत्ते का स्ट्रक्चर जो रहता है अंदर का लाइन, उसको इस प्रकार से दिखाना। पेड़ के ऊपरी भाग में जो इस प्रकार से हम डिजाइन को दिखा सकते हैं। आप सी तो लिखना जानते ही होंगे, इस प्रकार से छोटा सी उल्टा सी आप लिखेंगे, कहीं कहीं बड़ा कहीं छोटा, इस तरह से आपको बना देना है। इस प्रकार से हमको नोड दिखाना जो उभरा हुआ रहता है पेड़ का, इस प्रकार से। उसके बाद हमको इस प्रकार से हैचिंग का उपयोग करना है लाइन के द्वारा हल्का हल्का। इस प्रकार से आप गमले का डिजाइन इस तरह से लाइनिंग के द्वारा निकालें। अब देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से हम लाइनिंग ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप अपने चित्र में ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपका चित्र बन करके तैयार हो जाएगा। लीजिए, अब हमारा गमले में लगा हुआ पौधे का चित्र बन करके तैयार हो गया। चित्र बना लेने के बाद आप इस प्रकार से आउटलाइनिंग करेंगे, थोड़ा डार्क, जिससे क्या होता है कि हमारा चित्र उभरा हुआ लगे। इस प्रकार से आउटलाइनिंग करना है। पेंसिल हम तो चौक से कर रहे हैं, आप पेंसिल का यूज करेंगे। चित्र कंप्लीट हो जाए तो आप अपने नाम को छोटे अक्षरों में नीचे साइड में आप इस प्रकार से लिख लें। धन्यवाद।